नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। अखनूर के पलांवाला इलाके में बॉर्डर के पास 2 से 3 संदिग्ध दिखने के बाद इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सेना और पुलिस ने पूरे इलाके को खंगाला लेकिन संदिग्धों का कोई अता पता नहीं चल सका। इस इलाके में तवी नदी से लेकर जंगल तक को खंगाला गया ताकि कोई संदिग्ध हो तो पकड़ा जा सके। दरअसल स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी थी कि देर रात को पलांवाला छंब सेक्टर में घुसपैठ हुई है। 2 से 3 लोगों को हथियारों के साथ इलाके में देखा गया है। लोगों ने बताया कि संदिग्ध मनावर तवी के रास्ते पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके आए हैं। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुबह पुलिस और सेना की तरफ से पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि कुछ साल पहले भी इसी इलाके से आतंकियों ने घुसपैठ करके जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स यानी ग्रिफ के कैंप पर हमला किया था। पेगासस जासूसी मामले पर देश भर में सियासत गरमाती जा रही है। खासतौर पर देश के प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, जिसने आज देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर इस मामले में उससे जवाब मांगा। जम्मू में भी कांग्रेस पार्टी ने के आला नेताओं ने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आज राजभवन की तरफ कूच करने की कोशिश की और इस दौरान पुलिस के साथ उनकी जोरदार झड़प भी हो गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार निजता के आधार के साथ साथ संविधान की भी धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की देखरेख में करवाने की मांग की ताकि इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो सके। राइट टू प्राइवेसी खत्म किया गया मोदी सरकार ने, जो बड़ी दावे करती थी, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया। और मैं समझता हूँ इनडायरेक्टली डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं कि राइट टू प्राइवेसी, उसमें चाहे विपक्ष के हों चाहे पत्रकार यहाँ पे हो, किसको भी बख्शा नहीं जा रहा। ये रेयर ऑफ द रेयर केसेस में यहाँ पे होता है जहाँ पे कोई बड़ा ही नेशन को खतरा यहाँ पे, जांच का विषय यहाँ पे है। इसलिए मांग करती है कांग्रेस के लीडरशिप कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में पूरी जांच यहाँ पे हो, किन लोगों ने जिम्मेवारी दे दी, और होम मिनिस्टर इस्तीफा यहाँ पे दे दे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी में इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मिसयूज करते हुए धज्जियां उड़ाई दी गई है और बुलडोज करने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए। इसलिए आज सड़क से लेकर सदन तक इसकी गूंज सुनाई दे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़कों पे हैं, क्योंकि नेता राहुल गांधी जी हो, पत्रकार हो, कोई भी साथी हो, जिसमें राइट टू प्राइवेसी दिया गया था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में, उसकी धज्जी उड़ाने का प्रयास यहाँ पर किया, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं यहाँ पर। जम्मू कश्मीर का जल शक्ति विभाग कितना शक्ति विहीन हो चुका है, इसके सबूत तो आए देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन अब इसे शक्ति विहीन विभाग के एक ऐसे कारनामे का दिखाया गया जिससे हर कोई दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गया है। मामला यह है कि जम्मू के मांडा स्थित वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से समूचे जम्मू शहर को रोजाना पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन आलम यह है कि मांडा के ही इस वार्ड नंबर 9 के निवासी पानी की एक एक बूंद को तरसने को मजबूर हैं। इन लोगों ने सुनवाई न होने के विरोध में आज महिलाओं व बच्चों के अलावा खाली बर्तनों के साथ इस प्लांट में प्रदर्शन कर जल शक्ति विभाग की एक एक करके जमकर पोल खोली। लोगों के मुताबिक ये प्लांट समूचे शहर को पानी सप्लाई करता है, लेकिन इसके साथ सटे करीब 15 घरों को एक एक बूंद के लिए भी तरसाया जा रहा है। पिछले 40-50 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन पानी की समस्या 40-50 साल से पहले से थी। मेरी एज जितनी है वैसे वहाँ से यहाँ तक अभी तक सोच रहा हूँ कि 2 दिन पानी, 6 दिन नहीं आना। क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमारे ही स्टेशन, यहाँ पे पूरे जम्मू का सप्लाई होता है पानी, वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा तो शहर की क्या हालत होगी, कि क्या समस्या है यहाँ पे। और हमारी समस्या इतनी जेन्युइन है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे पानी के लिए मंदिर जा रहे हैं और पानी मंदिर में भी बंद हो गया तो कहाँ जाए। हमारे घर में पानी पीने के लिए नहीं है, बर्तन साफ करने के लिए, नहाने के लिए नहीं है, और यूजेबल है हमारे लिए। अब इतनी गर्मी में कोरोना का टाइम चल रहा था और पानी नहीं यहाँ पे। 40 साल हो गए इधर रहते हुए, 40 का भी 41, लेकिन पानी की यही समस्या देखी मैंने। पानी की इतनी समस्या आ रही है, इधर इतनी आ रही है। आज आया, 8 दिन के बाद आया, 4 दिन आया, 6 दिन के बाद आया। इतनी रजम वो है ना, इधर गंदगी डाली है ना इन्होंने, हद से बाद। हमने बोला देख लो आप, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएं। और मंदिर का पानी भी बंद कर दिया, मंदिर में पूरा मल्ला जा रहा है पानी लेने, मंदिर का पानी भी बंद हो गया। 24 घंटे का मंदिर का पानी था, वो भी बंद कर दिया इन्होंने। हमें इतना ही पता नहीं, मगर एक बात हो, ठीक है, हमारा पानी अगर बंद हो जाए ना, जहाँ 24 घंटे वाला पानी बंद हो वो भी बंद हो जाए ना, फिर हम देखेंगे।
मल्ले में एक घर है जो हाँ 24 घंटे पानी आता है, जो भी फोन कर रहा है हमें जी पता नहीं है, हमें पता नहीं है, क्यों नहीं बताया है? हम कोई किसी के पांव थोड़ी जाके पड़ेंगे फिर पानी दो पानी दो, ये मजबूर हो के हमने ये कदम उठाया ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी के लिए केंद्र सरकार द्वारा की जा रही कोशिशों की सराहना की है। संस्था का कहना है कि केंद्र सरकार की यह कोशिश सराहने योग्य है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए मसौदा तैयार करने से पहले उन्हें भी विश्वास में लिया जाना चाहिए। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के प्रधान आरके भट्ट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार से कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी के लिए सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की मांग की। उन्होंने कहा कि ब्लूप्रिंट तैयार करने से पहले कश्मीरी पंडितों की एक समिति का गठन कर उनसे भी सुझाव लिए जाएं ताकि इस प्रक्रिया को सही तरीके से हकीकत में बदला जा सके। भट्ट ने कश्मीर जाने के इच्छुक परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और ओवरेज हो चुके लोगों को प्रतिवर्ष 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की। नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए बताया था। हम आज नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि अभी फिर हमारी आशाएं आपके सरकार के साथ जुड़ी हैं कि अब आप बिल्कुल देरी ना करें और कश्मीरी पंडित की वापसी को प्रूव करके दिखाएं। और इस कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए हम ये अपील करते हैं कि इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाए, और ब्लूप्रिंट बनाने से पहले कश्मीरी पंडितों की एक अपेक्स कमेटी गठित की जाए जिसकी अध्यक्षता स्वयं गृहमंत्री जी करेंगे, और तभी हमारा एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा कि कश्मीरी पंडित की वापसी कैसी होनी चाहिए। हम ये मांग रखते हैं कि कश्मीर जो भी जाना चाहेगा उसको एक जॉब जरूर मिलना चाहिए, और जो ओवरेज सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है उनको 1 साल का 1 लाख रुपए मुआवजा देंगे, 32 साल का 32 लाख रुपए मुआवजा होना चाहिए, तभी ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा। दरबार मूव की प्रथा को बंद करने के विरोध में अब जम्मू का व्यापारी वर्ग भी सड़कों पर उतर आया है। शहर की पुरानी मंडी बाजार के व्यापारियों और दुकानदारों ने आज प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के इस फैसले की कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि दरबार मूव से उन्हें अपना धंधा और चमकाने की बड़ी आस रहती थी, लेकिन अब आलम यह है कि प्रशासन ने उनकी थाली में रखी चपातियां भी उठा ली हैं। महंगाई के कारण उनका धंधा वैसे भी मंदा हो चुका है, और अब दरबार मूव बंद किए जाने के फैसले ने आग में घी का काम किया है। हमारा प्रोटेस्ट था महंगाई के खिलाफ, सेक्टर मूव के खिलाफ, कि जो इन्होंने सेक्टर मूव बंद किया है। हम आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट ने एक एक करके जम्मू का सारा बिजनेस ले लेकर एक आदमी को दे दिया, तब भी इनका जी नहीं भरा। इन्होंने वकील को मारा, इन्होंने सुनारा यूनिट को मारा, इन्होंने शराब वालों को मारा, इन्होंने बंदूकों वालों को मारा, इन्होंने खनन बनन वालों को मारा, रेत बजरी वालों को। आज आके इनका दिल नहीं भरा, लास्ट में इन्होंने सेक्टर मूव ही बंद कर दिया। हम दुकानदार सेक्टर मूव के डिपेंड पे रहते थे, हमें आस होती थी कि विंटर सीजन आएगा हम लोग अच्छी कमाई करेंगे, लेकिन इन्होंने हमारी थाली से 4 चपाती उठा ली है, और उसका जो नतीजा है हम इनको बी फिट रिप्लाई आने वाली इलेक्शन में जम्मू की जनता जरूर देगी। जम्मू कश्मीर लबाना समाज सुधार सभा ने प्रशासन के समक्ष अपनी कुछ मांगे रखते हुए इन्हें फौरी तौर पर पूरा करने की मांग की है। सभा के प्रधान जगजीत सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के अलावा लबाना समाज को विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने की मांग की। उन्होंने बताया कि अगर लबाना समाज को यह प्रतिनिधित्व दिया जाता है तो इस समाज की हर समस्या को विधानसभा के पटल पर जोर शोर से उठाया जा सकेगा। तो मंडल कमीशन की सिफारिशें उनको लागू किया जाए जैसे देश के बाकी हिस्से में है, और ओबीसी जेएंडके में जल्द से जल्द जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिया है इसको लागू किया जाए, और जितने भी पिछड़ी जाते हैं इनको बीच में जैसे पहले रखा हुआ है उनको करके रखें। और हमें सबसे ज्यादा जरूरत आज जैसे डिलिमिटेशन स्टेट में हो रही है तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन में दी जाए ताकि हमारा कोई ना कोई नुमाइंदा किसी जात का ओबीसी का वो जाके असेंबली में ओबीसी की बात कर सके, ओबीसी का मुद्दा उठा सके, और आने वाले समय में अगर कोई हमें प्रॉब्लम आती है तो वो सरकार के सामने हमारी प्रॉब्लम रख सकता है। और हमें
27% रिजर्वेशन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट दी जा रही है वो तो देखते हो आप ड्यूटी बन चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पैटर्न पे ही हम चाहते हैं कि 27% रिजर्वेशन हमें ओबीसी की मिलनी चाहिए। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर सेना की नॉर्दर्न कमांड उधमपुर की ओर से एक बाइक रैली का आयोजन किया गया जिसमें 25 बाइकर्स ने हिस्सा लिया। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजय सिंह ने बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। कारगिल युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले और विजय हासिल करने वाले सेना के जाबाजों को इस दौरान याद किया गया। वीर जाबाजों के शौर्य को लेकर उधमपुर से निकाली गई बाइक रैली कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में संपन्न होगी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने सेना के वीर जवानों का गुणगान किया। मेड बाय द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ द इंडियन आर्मी आर नॉट ओनली रिकॉग्नाइज्ड बट ऑल्सो रिमेम्बर्ड so that they continue to inspire the current and the future generations of the country. So therefore, today this effort of ours, this motorcycle rally that we are undertaking, is to remember the fallen heroes during Operation Vijay and also to revive, rekindle and invigorate the spirit of patriotism amongst the youth. On the 7th of July, I had flown over Batra top in a Sukhoi. That was the day when one of my company commanders, Captain Vikram Batra, Paramvir Chakra, had laid down his life. And today, I am undertaking this motorcycle rally to remember all the fallen heroes of the Indian Army who have laid down their life for the nation. My message to the youth of the country is to look beyond the myopic material gains and commit themselves to a greater cause of the greater good of the country and the people of India. It is important for the youth to dream big, to think big, to do big and to become big. So I am very excited, you know, it is the patriotism for the nation and for my profession which is making me do this. So in the end, I want to thank Anupam Thareja, Java Motors, for giving me this idea to lead this rally all the way to Draz and for all the support that he has given us. बढ़ती महंगाई में सब्जी के दाम भी समय आसमान छू रहे हैं जिससे आम जनता बेहद परेशान है। सब्जी विक्रेताओं की माने तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी और स्थानीय सब्जी मार्केट में न आने के कारण सब्जी के दामों में एकदम से उछाल आया है। इन लोगों के मुताबिक इस समय स्थानीय सब्जी उत्पादकों की सब्जी मंडियों में नहीं सब्जियां मंडियों में नहीं आ रही है बल्कि इस समय बाहरी राज्यों से जम्मू की मंडी में सब्जी आ रही है जिसके कारण सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। इन लोगों ने सरकार से सब्जी की कीमतों पर नियंत्रण करने की व्यवस्था करने की मांग की है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। सब्जियों के जो दाम है उनको आसमान ने छू लिया है। वो इसकी वजह ये है कि एक तो सब्जी हमारे जम्मू की लोकल सब्जी नहीं चल रही, सारी सब्जी जो बाहर से आ रही है और जो बाहर से आ रही है जैसे तेल की कीमतें ज्यादा हैं उसका भी महंगाई पर सब्जियों के दाम पर काफ़ी असर पड़ता है। और जब वो सब्जी इधर जम्मू में आती है और जो सब्जी मंडी है वहाँ पर जो आढ़ती सब्जी को बेचते हैं उनकी आढ़त भी काफ़ी जो उसका रेट है काफ़ी हाई है, उसकी वजह से भी जो सब्जी का रेट है काफ़ी अभी आसमान छू रहा है और उसकी वजह से गरीब लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और जब हमारी लोकल सब्जी चलती है तो उसका जब दाम है तो वो काफ़ी गिर जाता है क्योंकि तब बाहर से सब्जी भी आती है और हमारी लोकल सब्जी भी चलती है। हमारी सरकार से यही मांग है कि सब्जी का एक जो दाम है वो फिक्स कर देना चाहिए जिससे किसानों को भी उनकी आय में इनकम में वृद्धि हो। सब्जी का काम करते हैं अड़ोसी पड़ोसी, लेकिन ये सरकारों को सोचना चाहिए कि जब हमारी इधर लोकल जम्मू की सब्जी होती है तब बिल्कुल 5-10 रुपये किलो पर्याप्त मात्रा में वो रेट नहीं मिलता और जो बाहर की है वो 50-60 रुपये किलो, इसमें आम जनता जूझ रही है। सरकारों को सोचना चाहिए, बस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं और दालें जो खाद्य पदार्थ थे ई मार का तेल जो आम जनता लिया करती थी इनका सरकारों को सोचना चाहिए। बस अपनी सत्ता संभालते हैं तो विपक्ष और
पक्ष में आरोप प्रत्योग देखते और आम जनता को नहीं देखते। आम जनता क्या रहे, किराए बढ़ गए, किसान को जैसे पंजाब वाली जो हरियाणा वाली जो सब्जी बाहर से हिमाचल उनको 30-40-50 रुपए के जी मिलता, जो जो जम्मू के लोग पैदा थे उनको 10 रुपए किलो। हमारा जो समस्या जम्मू की, जम्मू वालों को ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इनका मौसम ने तो लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत राहत दे दी है, लेकिन बिजली विभाग लोगों को राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। बिजली की समस्या को लेकर आए दिन लोग सड़कों पर हैं, लेकिन उनकी इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस तरह बिजली की समस्या से परेशान तालाब तिल्लो के भारत नगर इलाके में बिजली की समस्या से परेशान लोगों ने उपराज्यपाल से उनकी बिजली की समस्या हल करने की गुहार लगाई है। इन लोगों के मुताबिक गर्मी के इस मौसम में बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं और बार बार गुहार लगाने के बाद भी बिजली विभाग उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है। उसके सामने है भारत नगर हमारा तालाब तिल्लो रोड है, ये प्रॉब्लम हमारी रेकरिंग है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा है कि एवरी इंस्ट्रूमेंट जो घर में है वो एट प्रेशर रहता है, तबाही हो जाती है। कि वोल्टेज बिल्कुल 300 करीब 50, 60, 70, 120 कोई आई लिमिट है, फ्लक्चुएशन से बहुत परेशान है। आज तो ये है, आज तो कोलैप्स ही हो गया सारा सिस्टम, वो बहुत डैमेज हो गई गवर्नर साहब से भी यही अपील करते हैं कि इस ह्यूमिडिटी में, जितनी ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, इस ह्यूमिडिटी में रहना बहुत मुश्किल है। 12 बजे की लाइट गई हुई है और 7 बजे तक जहाँ पे कोई भी नहीं आया, और 2 डेली वेजर आए हुए हैं, वो भी बेचारे अपना रोना रो रहे हैं कि हमें 6,750 मिलता है तो हम इस बेजर से क्या चलाएंगे। ये तो डिपार्टमेंट का है, चाहते हैं हम सरकार से यही चाहते हैं कि खासकर इन दिनों कि ये ट्रांसफार्मर लास्ट ईयर भी खराब हुआ था, कि ये ट्रांसफार्मर जितना जल्दी हो सके तो नया ट्रांसफार्मर लगा दें ताकि लोग इस गर्मी में एक राहत महसूस करें। हम यही अपील करना चाहते हैं। एक और सरकार की ओर से सेव वाटर के नाम पर अभियान शुरू किए गए हैं और इस पर लोगों को अच्छा खासा ज्ञान भी दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जल शक्ति विभाग सरकार के सेव वाटर अभियान की धज्जियां उड़ा रहा है। चन्नी हिम्मत सेक्टर 1 में संबंधित विभाग के कार्यालय के पास काफी दिनों से पानी की पाइप लीक होने की वजह से कई गैलन लीटर पानी वेस्ट जा रहा है, लेकिन संबंधित विभाग को इसकी कोई खबर नहीं है। तो ये पाइप को कब से लीक कर रही है? ये पाइप अभी काफ़ी दिन हो गए इसको, 10-12 दिन हो गए। तो कोई डिपार्टमेंट को ठीक करने नहीं आया? अब उनको शायद पता नहीं है। कहाँ पर इसका दफ्तर? ये सामने पास में ही है। हाँ ये सामने, ये पानी वाली टैंकी के पास जी। तो सेक्टर नंबर कौन सा पड़ता है? 1 सेक्टर नंबर 1 है। तो ये कब से खराब है? ये पानी बताया सर, ये 10 दिन से हो गया। इससे ज़्यादा जी कितना पानी लीक हो रहा है? ठीक होना चाहिए कि नहीं? ठीक होना चाहिए सर, हमको पानी की यहाँ पे सुविधा नहीं है तो फिर हम यहीं से भरते पानी। तो काफ़ी महीनों से खराब है ये? नहीं, पहले ये तो अभी खराब हो गया, नहीं तो हम यहाँ से लाते थे, ये टैंकी है यहाँ से लाते थे, उधर ले जाते बिल्डिंग के पास में। तो अभी कितने दिन से होगी वैसे आइडिया? ये 10-12 दिन। जम्मू के एग्जीबिशन ग्राउंड की खस्ता हालत को लेकर आम लोगों में भारी रोष है। इन लोगों के मुताबिक एग्जीबिशन ग्राउंड के मेन गेट की छत इस कदर खस्ता है कि कभी भी किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है, लेकिन विभाग इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इन लोगों के मुताबिक एक समय ऐसा भी था जब ये जगह कारोबारियों का केंद्र था और यहां पर कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता था जिसमें व्यापारी जनता के सामने अपने अपने सामान की नुमाइश करते थे, लेकिन आज ये स्थान अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। उसे जल्द ठीक करना चाहिए क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि अंदर बात करें DIC का ऑफिस भी है, वहाँ भी तमाम लोग आते हैं, कई सारे व्यापारी वर्ग के लोग आते हैं। यहाँ प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन भी जब होता है तो कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं, गुजरते हैं यहाँ से, तो काफ़ी जल्दी चिंता का विषय, इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहिए। विभाग को जानकारी में अगर है तो जल्द से जल्द ठीक करे, या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार तो नहीं कर रहे विभाग? मेरा कहने का ये मतलब है कि DIC मैनेजर को खुद देखना चाहिए, खुदा का खासा ये ना हो कि किसी टाइम उनकी गाड़ी ही निकल रही हो, क्या पता उनके ऊपर ही गिर जाए, तो फिर ये क्या करेंगे? ये तब देखने की जगह, अगर आप ये पहले देखें इस चीज़ को, ये खस्ता हालत को,
तब प्रशासन को तो पता चले। हम छोटे छोटे थे, यहाँ पे एग्जीबिशन लगती थी काफ़ी सारी और हम यहाँ पे आते थे देखने के लिए, और आज की डेट में अंदर जाने का मन भी नहीं करता, इतनी साफ सफाई भी नहीं है और बूटे इतने हैं कि क्या कह सके, कोई जंगल टाइप बना दिया इन्होंने। देखिए ये एंट्रेंस है DIC ऑफिस का और यहाँ से बहुत सारे पत्रकार भी गुजरते हैं, ये DIC ऑफिस में जिन लोगों का काम होता है वो भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन इसकी खस्ता हालत क्या है, ये कभी भी गिर सकता है। अभी भी आप देखें सेंटर पोर्शन में ये थोड़ा सा टूटा है, लेकिन ये पूरे एरिया अगर आप देखें आधा खंडर हो चुका है, ये एग्जीबिशन ग्राउंड है और एग्जीबिशन यहाँ पर लगती थी और आधा वो देखिए वहाँ से टूट भी चुका है, कभी भी ये गिर सकता है। क्या प्रशासन कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, क्या जब हादसा हो जाएगा फिर इसका निर्माण किया जाएगा? हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर के बाद इसका निर्माण और पूरे तरीके से निर्माण, उसको पूरा जो है इसको तोड़कर दोबारा से इसको बनाया जाए ताकि किसी को भी जान मान का नुकसान ना हो। आरसपुरा के किसानों ने एक बार फिर नहरों की साफ सफाई को लेकर सिंचाई विभाग पर निशाना साधा है। इन लोगों के मुताबिक 20-30 वर्ष पूर्व नहरों की विभाग द्वारा अच्छी तरह से सफाई की जाती थी, लेकिन मौजूदा समय में नहरों की साफ सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति ही हो रही है, जिसके कारण नहरों और किनारों पर जंगली घास जमा हो चुकी है। नहरों की साफ सफाई न होने से किसानों में सिंचाई के लिए पानी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। सफाई के बारे इस तरह है कि जिन्निया भी नहर ने यह साढ़े मरालीए तो लैके अगे बार्डर तक जो भी नहर जा रही है, ज बछना जा रही ने, टांडे जे आरसपुरा साइड में जा रही ने, सारे उत्ते बहुत गंद है, कीड़ा सप निकलते पे ने, भंग और जड़ी बूटी बहुत है, वे कम से कम जो छोटे मोटे दरख्त है ना जो बूटे लगे देने वो भी डिगते पे नहर के डिगते हैं, कोई सफाई तो नहीं साधन, कोई कुछ नहीं है। कम से कम काफ़ी देर तो पहला पूरी पटरियां साफ होंगी रही, बंदा आंदा जाता ही बैठते ही खलोते ही सब बैठते ही, तो इस करके हूँ भी अपील करने कि जी नहर की पटरियां ने सड़कों की पटरियां ने इन्हें सफाई की जाए ताकि लोग निकल सकन। नहर के बारे ये है कि अज तो 10-20-30 साल पहले यह नहर की और सड़क के दुआले जड़िया पटड़िया ने यह बड़िया साफ होंदिया हैं, क्योंकि उस मौके ये जड़े महीने के माहवारी काम करते हैं, जड़े खप्पे पैने वह भी भरने ना, अज तो 10-20 साल हो गया कोई माहवारी नहीं लभा खप्पे भरदा ना कोई सफाई करता लभा, जिस मौके सरकार का कोई नुमाइंदा अगे जाना हों सही बार्डर से तो फिर उन्होंने कहना यह सफाई कर दो चूना सुट दो, क्यों ये लोग नहीं रेंदे इतने, ये लोग कौन ने, ये भी तुहाडे तो ही बनाए दे, तुहाडे बनाए दे ने तुहानू, ये सरकार नू तुहानू चुने दा लोगों चुने दा, जिस मौके इतने हूँ बरसात है, बरसात के बिच मरालीए तो लैके पिंडी तक ये नहर कोई भी नहर ला लो तुसीं, कोई भी देख लो बग्गे जन्नी ला लो टांडे वाली ला लो जिहड़ी मर्जी नहर ला लो तुसीं, सारे ते इन्नी गंदगी है, इन्ना सप कीड़ा है कि जिन्ना भी ये भंग जी जो कक कूड़ा है सारा सड़क के उपर जमेदा, इनू बढ़ना किन्ने है? मेरा ख्याल है तनखाह तो सारे लेंदे ने, जिहड़े माहवारी ने वह भी तनखाह लेंदे ने, जिहड़े बेलदार ने तनखाह भी लेंदे ने, ये सफाई किन करनी है? जम्मू के वार्ड नंबर 50 के छन्नी हिम्मत में ग्रीन बेल्ट पार्क अपनी हालत पर रो रहा है। पार्क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों का आरोप है कि सरकार ने इस पार्क का निर्माण तो कर दिया है लेकिन इसके रखरखाव का कोई इंतजाम नहीं किया, जिसके चलते पार्क की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। इन लोगों के मुताबिक कुछ स्थानिक लोगों द्वारा पैसे इकट्ठा कर इस पार्क के रखरखाव पर खर्च किया जा रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा इस पार्क की सुध नहीं ले रहा। देखिए जी ये पार्क मेरे को लगता है दोनों 6 नंबर सेक्टर में पड़ती होगी, 6 और 7 दोनों में इसमें पड़ते होंगे। तो पार्क तो ये जब बनी थी बहुत ही अच्छी बनी थी, ये पूरी अपना छन्नी हिम्मत होशी कॉलोनी के लोग जितने भी यात्रा यहाँ रेजिडेंशियल लोग हैं वो यहाँ पे सैर करने के लिए आते हैं, लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक रहा, इसका मेंटेनेंस नहीं है। मेंटेनेंस कोई भी चीज़ बने ना उसकी मेंटेनेंस बड़ी जरूरी है, जब तक उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी तो उसका बनाने का कोई फायदा नहीं, आप जितना मर्जी पैसा लगा दो उसका कोई फायदा नहीं। यहाँ देखो लाइटिंग है, ये जब मुझे लगता है ये भल्ला साहब जब मिनिस्टर थे अपना फ्लोरिकल्चर वगैरह के तो उनके टाइम का ये थोड़ा बहुत लगा हुआ है, लेकिन ये लाइटें सारी टूटी हुई हैं, इसकी दोबारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुई,
ठीक है। अच्छा ये झूले शूले जितने भी हैं ये लगे हुए हैं, इसकी कोई मेन जब से लगे हैं कोई इसको देखता नहीं है जो भी है। और जो लोग यहाँ अगर इसकी मेंटेनेंस के बारे में हमारे कुछ लोग हैं जो यहाँ पे सैर वॉक करने के लिए आते हैं तो वो थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करते हैं, हम भी थोड़ा बहुत देते हैं, तो उसके उससे ही ये चलता है। मुझे लगता है माली शाली की जो तनख्वाह जो पे निकलती है उसी से निकलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।